हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास बल्ब। तो फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह होती है जहां सारी फैमिली या जब भी आपके घर में फ्रेंड्स या आपके कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं तो वो एक साथ ही बैठ सकते हैं। और इसके अलावा डाइनिंग टेबल साइज़ में बड़ी होने की वजह से घर में एक मेन और काफ़ी सारा स्पेस भी घेरती है। अगर हम उसको डेकोरेट करके रखें तो हमारे घर का एक हिस्सा जो है वो सुंदर से डेकोरेट हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी डाइनिंग टेबल को डेकोर या फिर अरेंज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास है यहाँ पे वुडन डाइनिंग टेबल जिसको कि मैं ज़्यादातर कवर ही करके रखती हूँ। तो मेरा पहला टिप है कि आप अपने डाइनिंग टेबल के लिए जो कवर ख़रीदें वो किस तरीके का लें। तो फ्रेंड, मार्केट के अंदर कई तरीके के कवर अवेलेबल हैं, जैसे नेट का फैब्रिक हो गया या कॉटन का या प्लास्टिक शीट का। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये इस तरीके की कॉटन फैब्रिक आपको दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी बहुत अच्छी आती है, प्रिंट और कलर काफ़ी अच्छे होते हैं। सेकेंड फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी घर में एक सिंगल बेड की बेडशीट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल कवर के लिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं जो ये है इस तरीके के नेट के फैब्रिक जब भी डालती हूँ तो उसका भी बिल्कुल अपना ही एक अलग लुक आता है। इसके भी काफ़ी अच्छे प्रिंट हैं और अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक ये वाइट कलर का लिया हुआ है और एक मेरे पास इस तरीके का थोड़ा डार्क शेड है, ये मेहरून शेड है, ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो जब भी हम नेट के फैब्रिक का यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो इसके साथ मैं ट्रांसपेरेंट शीट भी बिछाती हूँ इसके ऊपर। और आप देखेंगे कि जो ये इस तरीके के प्लास्टिक वाले जितने भी डाइनिंग टेबल कवर आते हैं ये काफ़ी हैंडी रहते हैं। जब भी आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो या कोई छोटी सी पार्टी हो तो आप जब भी सारी चीज़ों को सर्व करने के लिए डाइनिंग टेबल पे रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और इसके जो प्रिंट्स कलर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो शीट्स जो है वो कैरी करने में भी ईजी रहता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सबसे अपनी डाइनिंग टेबल में आप रनर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी डाइनिंग टेबल का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप जो भी कवर नीचे बिछाएं तो उसके साथ मैच कर ले कि आपका किस तरीके का रनर उसके साथ मैच कर रहा है, जो कि देखने में अच्छा लगे और उसका लुक अच्छा आए। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरे सेंटर टेबल के भी रनर हैं वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल के लिए, या फिर मेरे जो बेड रनर हैं मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए, जो रनर हैं फ्रेंड उसका भी एकदम अपना अलग ही, आप जब उसको डालेंगे तो डाइनिंग टेबल एकदम से चेंज हो जाएगी। थर्ड बात करेंगे मैट्स की, तो मैट भी मार्केट के अंदर कई तरीके की अवेलेबल हैं। तो ये जो मेरी हैं ये कुछ पर्ल्स की हैं, ये मैं एक्चुअली सिर्फ फेस्टिवल पे ही यूज़ करती हूँ। और भी प्लास्टिक के आते हैं, जूट की आती हैं, या फिर थोड़ा सा कपड़े वाला फैब्रिक होता है जो उसमें भी आती हैं मैट्स। तो आप किसी भी तरीके का मैट जो है वो ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और थोड़ा चेंज करके आप डालिए तो जिससे डाइनिंग टेबल का भी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरा थोड़ा सा टिश्यू वाला जो कपड़ा होता है उस तरीके के ये मैट्स हैं। और सबका जो लुक आता है वो बिल्कुल अलग आता है, हर मैट का जो डेकोरेशन है वो एकदम अलग ही लगती है। तो देखिए, मेरे जो पर्ल्स वाले हैं उसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने नीचे अपने बेस में डार्क कलर के साथ लाइट कलर के मैट्स लगाए हैं, तो देखिए उसका भी लुक बिल्कुल चेंज आया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड देखिए, मैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं डाइनिंग टेबल के लिए। फोर्थ बात करेंगे, आपको अपने डाइनिंग टेबल पे नीड क्या क्या, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये छोटे से फॉग्स रखे हुए हैं और आपको सॉल्ट पेपर के, और ये मैंने थोड़े से कलरफुल लिए हुए हैं अलग अलग, मुझे ये बहुत सुंदर लगते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है। आप कुछ इस तरीके की चीज़ें लीजिए जो कि आपका यूज़ में भी आए, जैसे सॉल्ट पेपर है और वो डेकोरेट करने में भी सुंदर लगे, या फिर आप इस तरीके के अपने अचार के या फिर चटनी के लिए कुछ इस तरीके के जार रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पर। ये आपकी नीड के ऊपर है कि आपको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, तो आप उस हिसाब से अपनी डाइनिंग टेबल को अरेंज करके रख सकते हैं।
उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड सर्विंग बाउल्स की। तो घर के अंदर कई तरीके के सर्विंग बाउल्स होते हैं। तो जैसे मैं ज़्यादातर अभी अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। तो आप ये भी देखिए, जब भी आप सर्विंग बाउल्स वगैरह लेके आएँ तो उसके साथ जो उसका सेट है या उसकी ट्रे है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जब हम उसको डेकोरेट के हिसाब से भी रखें तो वो देखने में अच्छी लगे। उसके बाद बात करेंगे अपनी कटलरी की। तो कटलरी के लिए फ्रेंड जब भी कोई आपके घर में कोई ओकेजन होता है तभी ज़्यादातर कटलरी का यूज़ होता है। तो इस तरीके की ट्रे आती है मार्केट के अंदर, तो आप इसके अंदर हर चीज़ को अरेंज करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के जूसेस के जार ले लिए हैं, उसी के अंदर मैंने स्पून्स और नैपकिन वगैरह को अरेंज करके रख दिया है। और जो ये मेरी जो ट्रे है इसके अंदर नीचे ड्रॉर्स के अंदर भी आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं, या आपने मिंट वगैरह रख दिया आप साथ में, तो ये आपके जैसे कटलरी बिल्कुल रेडी है आपके किसी भी फेस्टिवल के लिए या किसी ओकेजन के लिए। उसके बाद बात करेंगे फ्रूट बास्केट की। तो फ्रूट बास्केट भी फ्रेंड इस तरीके से लीजिए कि आप अगर अपने डाइनिंग टेबल पर आपको रखना हो तो वो देखने में अच्छी लगे। तो मेरे पास ये देखिए कुछ अलग अलग तरीके की फ्रूट बास्केट हैं, सब लाइट हैं और सब अलग ही हैं, तो मैं जब भी कोई सी भी यहाँ रखती हूँ तो वो अच्छी लगती हैं। उसके बाद करेंगे ट्रे की। तो ट्रे में फ्रेंड्स आपकी किचन के अंदर कई तरीके की ट्रे होती हैं, अगर हम चाहें तो डाइनिंग टेबल के ऊपर जब भी कोई चीज़ अरेंज करके रखें तो वो एक ट्रे के अंदर ही आप रखिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपको क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो आपने बस सिंपली ट्रे में अपना जो भी सामान रखा है उसको आप रख सकते हैं और एक साथ ही उसको हटा सकते हैं, और ये क्लीनिंग में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड कैंडल और टी लाइट्स की। तो कैंडल और टी लाइट्स तो ये है फ्रेंड कि आप जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर आपको कैंडल लाइट डिनर करना है तो ही आप टी लाइट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर। इसका भी एक अलग ही लुक आता है जब भी हम इसको रखते हैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप जब भी अरेंज करके रखेंगे टी लाइट वगैरह तो उसका भी लुक बिल्कुल अलग ही आएगा। या फिर आप अपने कैंडल्स के साथ इसे रख सकते हैं, या फिर फेरी लाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास किसी भी कलर की फेरी लाइट्स हैं तो आप उसको भी अरेंज करके रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड आप इसके साथ अपने डाइनिंग टेबल पे अलग अलग तरीके के फ्लावर वासेस भी रख सकते हैं, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली अपने वही जूस वाले जार के अंदर ही फ्लावर्स को इस तरीके से अरेंज करके रखा और कुछ टी लाइट्स के साथ मैंने इसको लगाया, तो इसका लुक भी बिल्कुल अलग आ रहा है। और उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड हाइट और कलर कॉम्बिनेशन की। तो आप याद रखें कि आप जो भी चीज़ रखें उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से मैच करना चाहिए और हाइट का लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए, जैसे बड़ा या छोटा। तो इस तरीके से अपनी डाइनिंग टेबल को आप अरेंज करके रखें। तो फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर भी करें। तो मिलती हूँ मैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।